जिस शब्द के साथ जिहाद जुड़ जाता है वो शब्द बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लफ्ज जिहाद इस देश का इस्लामीकरण करने का एक षड्यंत्र है। लफ्ज जिहाद के माध्यम से आतंकी हिंदू बहनों को बच्चा पैदा करने की मशीन बना के, उनके बच्चे पैदा करके उनको आतंकी बनाते हैं और बहनों को लात मार करके तलाक देके निकाल देते हैं। लफ्ज जिहाद के मामले से हिंदू बहनों को फंसाना, उनसे बच्चे पैदा करना, उन्हें आतंकी बनाना, तो ये बहुत बड़ा खतरनाक खेल हिंदुस्तान में चल रहा है और इसके लिए बाकायदा एक रेड लिस्ट है। सरदार की लड़की के लिए अलग, ब्राह्मण की लड़की के लिए अलग, छत्री की लड़की के लिए अलग, एस की लड़की के लिए अलग, पंजाब की लड़की के लिए अलग, दलित के लिए अलग। महाराज जी, क्या रेड लिस्ट है जो आप रेड लिस्ट की बात कर रहे हैं? ये बड़ी खतरनाक रेड लिस्ट है और इसका संचालन विदेश से होता है और ये मदरसों और मस्जिदों के माध्यम से ये सारे का सारा शरण देश में चल रहा है और ये चूंकि अब कानून बन गया है तो ये सब धीरे धीरे, कहते ना देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये सब सामने ऑटोमेटिक मीडिया के सामने आ जाएगा। मोदी जी ने अच्छा कानून बनाया, उसका हृदय से हम स्वागत करते हैं। आप प्रदेशों में बीजेपी सरकार है, मुझे लगता है वहां तो कानून बन ही जाएगा। और आपको तो ये हमारे उधर आसाम में तो मदरसों में प्रतिबंध लगा दिया गया, बहुत देश अच्छी दिशा में चल रहा है।